चलिए जानते हैं यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इसके कॉजेज, इफेक्ट्स और कंट्रोल क्या हैं। वर्ड यूट्रोफिकेशन डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड यूट्रोफोस से, जिसका मीनिंग होता है वेल नरिश्ड और एनरिच्ड। तो ये जो प्रोसेस है यूट्रोफिकेशन का, ये जुड़ा होता है वाटर बॉडी के साथ, वाटर बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें वेल नरिश्ड की हम बात कर रहे हैं, तो क्या है वेल नरिश्ड, कि कोई वाटर बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होगी, वेल नरिश्ड होगी और एनरिच्ड होगी। तो जब कोई वाटर बॉडी न्यूट्रिएंट्स के साथ, जिसमें न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे, नाइट्रेट, फास्फेट। तो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए खाने में, फास्फोरस चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन हम जैसे पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो N2 की फॉर्म में फ्री नाइट्रोजन है। प्लांट्स को जो के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो फ्री नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करें, इसलिए प्लांट्स रूट्स के थ्रू जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं और फास्फेट की फॉर्म में जो है फास्फोरस को जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो जो ये नाइट्रेट बनाकर प्लांट्स को कौन देता है, या नाइट्राइट, वो बनाकर या तो केमिकली ये जो बनता है इंडस्ट्रीज वगैरह में भी नाइट्रेट बनता है या फास्फेट। इसके अलावा जो है कुछ बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाकर देते हैं प्लांट्स को। तो क्या होता है कि यूट्रोफिकेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वाटर बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, और वो वाटर बॉडी जो इनरिच्ड होती है विद द न्यूट्रिएंट्स, जो कौन कौन से न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रेट और फास्फेट के। तो उस वाटर बॉडी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन जो है इसको, और हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रोफिकेशन भी कहते हैं। तो ये जो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस होता है किसकी वजह से होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, कौन से न्यूट्रिएंट, जैसे कि नाइट्रेट और फास्फेट भी किसी वाटर बॉडी में जो है, जब उनकी ओवर सप्लाई हो जाती है, जैसे लेक वगैरह में वाटर बॉडी में जो है, तो और वो वाटर बॉडी खासकर जो कि क्या होते हैं, स्टैग्नेंट होते हैं, जिनमें कि जैसे लेक्स या पोंड हो गया जिसमें पानी जो है वो खड़ा रहता है, उन वाटर बॉडी में जब न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई आ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ओवर सप्लाई होती है, तो उस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है। और वहाँ पर क्या होता है, जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है, खासकर जो अलगी की, वो बढ़ जाती है, और उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उस वाटर बॉडी में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है अलगी वगैरह की, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी बढ़ जाती है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो इसमें स्प्रिंग, स्ट्रीम्स या लेक्स की अगर हम कैटेगरी की बात करें, तो इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं लिगोट्रॉफिक वाटर बॉडीज, मीजोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। तो अगर लेक की बात करें, हम पढ़ते हैं कि ये लिगोट्रॉफिक लेक कौन सी होती हैं, तो वो वाली लेक्स होती हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंटेंट जो है पोर होता है, जिनमें न्यूट्रिएंट्स पोर होते हैं, वाटर बड़ा प्योर होता है, वो लिगोट्रॉफिक लेक्स होती हैं। तो मीजोट्रॉफिक जो लेक्स होती हैं जिसमें मॉडरेट न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं, उसको बोलते हैं मीजोट्रॉफिक। और यूट्रॉफिक लेक्स या वाटर बॉडी वो होती हैं जिसमें इनफ अमाउंट ऑफ, जो ज़्यादा मोर अमाउंट जो होता है कंटेंट होते हैं किसके, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के वगैरह के, कैल्शियम वगैरह के। तो न्यूट्रिएंट रिच जो वाटर बॉडी होती है उसको बोलते हैं यूट्रॉफिक जो है, जैसे लेक वगैरह। तो होता क्या है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है सालों से, सेंचुरी से जो है यूट्रोफिकेशन पूरा प्रोसेस जो है वो चलता आ रहा है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये प्रोसेस एक्सीलरेटेड हुआ है, तेज़ी से बढ़ा है, उसका रेट बढ़ा है, और यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस जो है बढ़ा है, और आज ये हमारे लिए भी कंसर्निंग है। तो प्रोमिनेंट जो इफेक्ट पड़ते हैं यूट्रोफिकेशन का किसी वाटर बॉडी जो है पर, कि वहाँ पर क्या होता है, अल्गल ब्लूम बन जाते हैं, अल्गल मैट बन जाता है, अल्गी का एक जो ऐसे अगर कोई वाटर बॉडी है वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अल्गल मैट बन जाता है, अल्गल ब्लूम बन जाता है, जहाँ पर यूट्रोफिकेशन होती है, जहाँ पर नाइट्रेट और फास्फेट इसी वाटर बॉडी में ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ऊपर क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, जिसको बोलते हैं अल्गल मैट और अल्गल ब्लूम, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो
फॉल स्मेल वगैरह आती है फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह में, और साथ साथ में जब अर्गल ब्लूम बनती है तो क्या होता है कि जो लाइट की, सन से जो लाइट आ रही होती है, जो जो बेंथिक जो बॉटम ड्वेलिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती, तो उनका डिकम्पोजिशन, उनकी डिस्टिंग्रेशन उनकी डिकम्पोजिशन तेज़ी से होती है और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इस ऐसी वाटर बॉडी पे O2 कम हो जाता है, और साथ साथ में डिकम्पोजिशन और जो है ज़्यादा बढ़ जाती है और वो वाटर बॉडी फॉल स्मेल वगैरह आने लगती है, तो उस फिर प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। ये पिक्चर में हम देख रहे हैं अर्गल ब्लूम, जो अर्गल मैट भी कहते हैं, जिसमें कि इस वाटर बॉडी में क्या हुआ है, यूट्रिफिकेशन हुई है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा आ गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, फास्फेट नाइट्रेट के बढ़ने की वजह से जो वाटर के प्लांट्स हैं जिनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, स्पेशली अलगी जो है उनकी ग्रोथ बढ़ी है और एक अलगल मैट बन गई है जिसको अलगल ब्लूम भी कहते हैं। और अब जब यह मैट बन गई है तो जो लाइट आएगी यहाँ तक आएगी और यहाँ से नीचे पेंट्रेट करने में उसकी डिफ़िकल्टी होगी, जिसकी वजह से जो नीचे वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको वो लाइट नहीं मिलेगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उनकी क्या होगी, उल्टा वो जो है उनकी डिकम्पोजिशन होगी, वो मरेंगे ज़्यादा तो उनकी बॉडी भी, तो फिर क्या होगा, और फर्दर जो है जब उनके फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन लेवल भी वहाँ कम होगा, और एरोबिक बैक्टीरिया जब उसको डिकम्पोज करेंगे तो और फर्दर जो है ऑक्सीजन वहाँ पर होता क्या है कि जो नाइट्रेट और फॉस्फेट हैं ये की प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट जो मेजरली चाहिए वो नाइट्रेट और फॉस्फेट होते हैं, और ये क्या करते हैं, जब ये नाइट्रेट और फॉस्फेट किसी वाटर बॉडी में, नेचुरल वाटर बॉडी सिस्टम में आ जाते हैं तो उसकी वजह से जो है एक्वेटिक प्लांट्स की ग्रोथ को वो इन्हेंस कर देते हैं, खासकर अलगी वगैरह को, तो अलगल ब्लूम बन जाता है जैसे कि हमने वहाँ देखा। इसके अलावा जो है कुछ जो वेस्ट वाटर जो जिसमें सीवेज वगैरह में होता है, तो वो जब किसी वाटर बॉडी में जाता है तो उस कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट और फास्फेट जो है वो बढ़ा देता है, क्योंकि सीवेज वाटर में भी नाइट्रेट और फास्फेट होते हैं और वो भी जो है यूट्रोफिकेशन का कारण होते हैं। इसके अलावा जो है जब डेथ होती है एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल की, तो उनकी बॉडी जब डिकम्पोज होती है तो वहाँ पर भी जो है नाइट्रेट और फास्फेट की जो है कंसंट्रेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से जो है यूट्रोफिकेशन प्रोसेस जो होता है। इसके अलावा एक क्या होता है कि जो ओल्ड लेक होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ जो हैं जो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स हैं वो भी यूट्रॉफिक जो है वाटर बॉडी में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। कॉजेज ऑफ यूट्रॉफिकेशन, इसमें दो बड़े कारण होते हैं ब्रॉडली, एक है नेचुरल काज, तो नेचुरल काज जो यूट्रिफिकेशन का होता है जब एक्सेसिव इनरिचमेंट होती है वाटर बॉडी की ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स की वजह से जो है वाटर बॉडी की जब क्या होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं नेचुरल काज। तो नेचुरल में क्या होता है खासकर जैसे एजिंग ऑफ लेक्स, टाइम के साथ जब ओलिगोट्रॉफिक लेक जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू यूट्रॉफिक लेक, जो ये जो है ये नेचुरल प्रोसेस है, टाइम के साथ होता है। तो ये इसके अलावा क्या है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट ऑन द लैंड, इसमें होता क्या है वाश्ड अवे इन द फ्लड, तो वो ट्रांसफर होता है वाटर बॉडी सच ए लेक। तो जो नेचुरली क्या होता है कि सॉइल में फॉस्फेट नाइट्रेट रहते हैं और वो बारिश के साथ पानी, फ्लड के साथ पानी के साथ वाटर बॉडी में आ जाते हैं नेचुरली, तो फिर क्या करते हैं उसमें जो है जब न्यूट्रिएंट्स और फॉस्फेट बढ़ेंगे किसी वाटर बॉडी में तो नेचुरली फॉर वो यूट्रोफिकेशन होता है। जबकि ये इस तरह का जो नेचुरल यूट्रिफिकेशन है ये मच स्लोअर प्रोसेस फिनोमेना है, मच स्लोअर प्रोसेस है, जबकि इसको एनहेंस ज़्यादा जो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर जो है वो मेथड है, एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड जो है वो ज़्यादा बड़ा कारण होता है यूट्रोफिकेशन का। तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी, जैसे टेम्परेचर जो है जैसे ग्लोबल वार्मिंग के साथ बढ़ रहा है तो नेचुरल प्रोसेस जो है ये यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस भी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वगैरह भी बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, तो ये कारण है। दूसरा आता है मैन मेड, जिसको एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं या कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। इसमें जो कारण होता है जो एक्सेसिव इनरिचमेंट होता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का, वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है, तो इसको बोलते हैं मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक और कल्चरल यूट्रोफिकेशन। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है जब एग्रीकल्चर लैंड पर, जब फार्म में, खेतों वगैरह में जब हम फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं तो वो फर्टिलाइज़र जो है
बारिश के पानी के साथ बहकर किसी वाटर बॉडी में आ जाते हैं, और ये फर्टिलाइज़र जो हैं जब वाटर बॉडी वाटर इकोसिस्टम किसी इकोसिस्टम में आते हैं इकोसिस्टम में, तो ये रेडली अवेलेबल होते हैं अलगी वगैरह को, बाकी फाइटोप्लैंकटॉन्स को, तो उसकी वजह से क्या होता है फिर वहाँ पर ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो इसके अलावा क्या है कि पॉपुलेशन जब से बड़ी है, तेज़ी से बढ़ रही है, तो जो है इंडस्ट्रीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से हमें इंडस्ट्री का एक्सपेंशन करना पड़ा है पड़ रहा है, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड को भी एक्सपेंड करना जो है पड़ता है एज के साथ, और पड़ा भी है, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो डिफॉरेस्टेशन है, क्योंकि अब ज़मीन अगर कम पड़ रही है, अर्बन एरिया अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एरिया है वो भी बढ़ रहा है, तो उसके एग्रीकल्चर एरिया को बढ़ाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जंगल जो उसको भी काटा है हमने, तो उसके काटने की वजह से जो है जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो जो सॉइल इरोजन है वो होती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन अगर होगी तो वो उस अगर सॉइल में क्या होगी फास्फोरस वगैरह होगा, तो जब सॉइल इरोजन होगी सॉइल बहकर जाएगी वाटर बॉडी में, उसके साथ फास्फोरस भी जाएगा फास्फेट भी जाएंगे, तो वाटर बॉडी को एनरिच कर देंगे विद फास्फेट, तो उसकी वजह से प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन होता है, ये भी एक जो है ह्यूमन काज है डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से। और इसके अलावा जो है सीवेज वगैरह जो है डायरेक्टली हम क्या करते हैं सीवेज वाटर रिलीज़ करते हैं या इंडस्ट्रियल वाटर रिलीज़ कर देते हैं वाटर बॉडी में, उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। और क्या है कि हम नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशियम फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं या डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को जो है डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडी में, और फिर क्या करते हैं डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं, अर्बन ड्रेनेज जो नालियाँ वगैरह का पानी है उसको करते हैं, एनिमल वेस्ट को जो है डंप करते हैं पानी में वाटर बॉडी में, जब सेडिमेंट्स बहकर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कुछ सेडिमेंट बहकर जाते हैं वाटर बॉडी में, तो उसकी वजह से ये कल्चरल या मैन मेड जो है यूट्रोफिकेशन जो है का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्या आता है इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन के इफेक्ट्स बहुत सारे पड़ते हैं, उसमें एक तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस होती है डिक्रीज होती है, क्योंकि जब यूट्रोफिकेशन प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किसी वाटर बॉडी में आ जाते हैं, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन है अलगी की बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं हम अल्गल ब्लूम बनता है। तो जब पॉपुलेशन अलगी की बढ़ जाती है अल्गल ब्लूम बनते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि अगर ये वाटर बॉडी है यहाँ अलगल ब्लूम बन गए ये लेयर बन गई, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सनलाइट है वो नीचे जो है बॉटम डवेलिंग एनिमल जो प्लांट्स को नहीं मिल पाएगी, जो नीचे प्लांट्स होंगे उनको नहीं मिलेगी लाइट, तो जिसकी वजह से जो क्या है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है बॉटम वाले जो प्लांट्स होंगे उनको वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि जो ये जो प्लांट थे जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते थे, जिसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो बढ़ता था, तो अब जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाएगा नीचे, तो जिसकी वजह से जो है फोटोसिंथेसिस का जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वो वाटर बॉडी में कम हो जाएगा, तो ये होता है। उसके अलावा क्या है कि ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, तो यूट्रोफिकेशन वाटर के उसकी वजह से क्या है आप जब यूट्रोफिकेशन किसी वाटर बॉडी में होगा तो उसकी वजह से जो है जो ग्रोथ है अलगी की बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आएंगे अलगी की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसकी वजह से उसको जो डिकेइंग भी होगी अलगी की डेथ भी होंगी, तो उसकी वजह से जो बायोमास बढ़ेगा डेड ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जब बढ़ेगा वो सिंक डाउन भी करेगा बॉटम में जाएगा, और बॉटम में फिर क्या होगा जो है बैक्टीरिया उसको क्या करेंगे डिकम्पोजिशन करेंगे उस मैटर की, और उसमें क्या है वो कौन से बैक्टीरिया करेंगे एरोबिक बैक्टीरिया जो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे और उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे डिकम्पोज करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो जाएगा अवर कंजप्शन हो जाएगी ऑक्सीजन की, और एक कंडीशन बन जाएगी जिसको बोलते हैं हाइपोक्सिक कंडीशन, जिसमें ऑक्सीजन जो है का लेवल वाटर बॉडी में कम हो जाता है, तो जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा लो अवेलेबल होगा ऑक्सीजन में वाटर बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होगा सफोकेशन होगी और डेथ होगी लार्जर लाइफ फॉर्म सच एज फिश वगैरह, तो जब डिजॉल्व ऑक्सीजन उस वाटर बॉडी में कम हो जाएगा तो जिसकी उसकी वजह से क्या होगा बाकी जो ऑर्गेनिज्म होंगे खासकर एनिमल वगैरह फिश वगैरह वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हाइपोक्सिक कंडीशन बन जाएगी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो ये कंडीशन होगी, तो आउटकम क्या होगा कि प्लांट्स ख़त्म हुए वो बॉटम वाले प्लांट भी ख़त्म हुए प्लस उन पर डिपेंडेंट जो एनिमल है और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हुआ तो एनिमल वगैरह भी कम हो गए, तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। उसके अलावा
इंक्रीज इन वाटर टॉक्सिसिटी, तो वाटर की जो है वाटर टॉक्सिक हो जाता है, यूट्रोफिकेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि जब ज़्यादा ज़्यादा ऑर्गेनिक ये जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे वाटर बॉडी में, तो जो अलगी की स्पीशीज़ है खासकर वहाँ पर ऐसी अलगी भी होंगी जो टॉक्सिक होंगी, जो टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करती होंगी, तो जो कि फिर क्या होगी, ये जो टॉक्सिक अलगी हैं इनकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल पर भी इफेक्ट पड़ेगा उसकी वजह से। और व्हेन दीज स्पीसीज ऑफ अलगी ब्लूम इन ए वाटर, इस तरह की जो टॉक्सिक अलगी हैं अगर वो ब्लूम करेंगी, बढ़ेंगी, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से वो क्या करेंगी, न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगी ये टॉक्सिक अलगी, और हेप्टोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगी, जो कि फूड चेन के थ्रू जो है वो बहुत सारे एनिमल वगैरह पर, एक्वेटिक एनिमल्स पर आएगा और उनकी डेथ का कारण बनेगा। इसके अलावा ये ह्यूमन बीइंग पर भी इफेक्ट करती है टॉक्सिक जो अलगी होती है, तो उनको कैसे करती है कि ये न्यूरोटॉक्सिक पैरालिटिक एंड डायरेटिक होती है, जो कि ये काज करती है, इस तरीके का इफेक्ट डालती है ह्यूमन बीइंग में। तो इसके अलावा इन्वेजन ऑफ न्यू स्पीशीज़, तो न्यू स्पीशीज़ का इन्वेजन भी होगा जब न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नाइट्रेट फॉस्फेट बढ़ेंगे, तो बाहर से भी जो है जो प्लांट्स वगैरह हैं वो भी आएंगे, आकर कंपीट करेंगे, वहाँ वाटर बॉडी का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, और इस कंपटीशन जब होगा तो जो ओरिजिनल वहाँ की जो इनहेबिटेंट्स हैं जो वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो बाहर के जो न्यू स्पीशीज आएंगे, इन्वेजन होगा उन स्पीशीज़ का, उनके जो है ग्रोथ बढ़ जाएगी, उनका नंबर बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से जैसे कि कॉमन क्रैब जो है न्यू स्पीशीज़ है, जो कि जो ट्रॉफिक वाटर बॉडीज में देखने को मिलती है। अदर इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, कुछ अदर इफेक्ट्स भी पड़ेंगे, जैसे वाटर जो इफेक्टेड होगा यूट्रिफिकेशन की वजह से, उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी लॉस होगी, वाटर ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, और जब ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो उसके साथ साथ में क्या होगा, उसमें बैड स्मेल आएगी, कलर भी जो है उसका लॉस होगा यूट्रोफिकेशन अगर होगा। इसके अलावा यूट्रोफिक वाटर जो वाटर होता है अगर उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो उसकी जो ब्यूटीफिकेशन है, जो उसकी एस्थेटिक वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। अगर हम किसी लेक पे विजिट करते हैं, वहाँ पर अल्गल ब्लूम बने हुए हैं पूरे तरीके से, फाइटोप्लैंकटन्स बड़े बड़े हुए हैं वहाँ पर, तो हम क्या है वहाँ पर कि उसकी वहाँ की जो लेक की ब्यूटी है उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, वो हमें क्या लगेगा, ऐसे ही अगली सा लगेगा, तो वो एस्थेटिक वैल्यू भी जो है यूट्रिफिकेशन के साथ साथ क्या होता है, लॉस होता है, एस्थेटिक वैल्यू भी लॉस होती है। इसके अलावा यूट्रिफिकेशन जो है लीड टू फास्टर ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंकटन्स, क्योंकि यूट्रिफिकेशन की वजह से क्या फाइटोप्लैंकटन्स का जो ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक एंड इन एडिबल स्पीशीज़ हैं उनका नंबर भी बढ़ता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो अलगी होंगी वो कोई एडिबल होंगी या यूज़फुल होगी, ऐसी भी होंगी जो टॉक्सिक होंगी, जो एडिबल नहीं होंगी उनका नंबर ज़्यादा बढ़ेगा तेज़ी के साथ। वो वीड्स जैसे खासकर वही होंगी उनका नंबर भी जो है बढ़ेगा वीड्स का। इसके अलावा इट लीड्स टू ब्लूम ऑफ जिलेटिनस ज़ूबलैंकटन, तो ज़ूबलैंकटन का नंबर भी जो है बढ़ेगा, बढ़ता यूट्रोफिकेशन प्रोसेस के साथ साथ। तो जो यूट्रोफिक वाटर है उसमें क्या होता है कि बायोमास जो है खासकर एपिफेटिक और बेंथिक एलगी का जो है वो भी बढ़ जाता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर भी यूट्रोफिक वाटर बॉडी में बढ़ जाता है, और सिग्निफिकेंस चेंज होता है राइज इन द स्पीसीज कंपोजिशन में भी जो है चेंज देखने को मिलता है जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी। जब प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका जो है वो कम हो जाता है, टीओ लेवल कम हो जाता है, और बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, कि क्योंकि एनरोबिक कंडीशन हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पा रही होगी, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। इसके अलावा जो है एरोबिक बैक्टीरिया, जब डेड ऑर्गेनिक मैटर वहाँ ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, और जो उनका डिमांड है बैक्टीरिया की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे बैक्टीरिया, उनकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड वहाँ पर बढ़ जाएगी, ऐसी वाटर बॉडी में जहाँ पर यूट्रिफिकेशन हुई होगी। तो लॉस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन क्रिएट्स एनरोबिक कंडीशन, तो जब डीओ कम हो जाएगा तो वहाँ कंडीशन कैसी हो जाएगी, एनरोबिक कंडीशन बन जाएगी, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, जिसकी वजह से एनरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। जब एनरोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो बहुत सारी फॉल गैसेस निकलती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया वगैरह निकलता है, जिसकी वजह से ओडोर और टेस्ट जो है उस वाटर का, उस वाटर बॉडी का जो वाटर होता है उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और वहाँ स्मेल आती है। इसके अलावा ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी जो है
जो काज करती है क्लॉगिंग ऑफ वाटर फिल्टर्स, तो अगर एल्गी बढ़ जाती है किसी वाटर बॉडी में, तो अगर उसको हम ट्रीटमेंट भी करेंगे उस वाटर बॉडी का, उस पानी को साफ करने की कोशिश करेंगे मशीनरी के थ्रू भी, तो वो जब करेंगे तो उस एल्गी में जो है वो मशीनरी को भी क्या करेगी, क्लॉगिंग करेगी, वाटर फिल्टर्स को भी जो है वो ख़राब कर देगी, उन फिल्टर्स को भी एल्गी, तो ये कंडीशन भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या होता है कि डिज़ायरेबल एक्वेटिक स्पीशीज़ जैसे कि फ़िश वगैरह जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो कि डिज़ायरेबल हैं जरूरत हैं उस वाटर बॉडी में, वो उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है यूट्रोफिकेशन का। इसके अलावा हार्वेस्टेबल जो फिशेज़ होती हैं जिसको हार्वेस्ट करते हैं हम पालते वगैरह, उनका नंबर भी कम हो जाता है, जहाँ नहीं हम उसको मेनटेन कर पाते अगर यूट्रोफिकेशन होती है तो। यूट्रोफिकेशन से फर्टिलाइज़र वगैरह से जो है रन ऑफ से फार्म से खेतों से एग्रीकल्चर लैंड से जो है फर्टिलाइज़र वगैरह जिसमें NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम वगैरह ज़्यादा होता है वो बह कर आता है वाटर बॉडी में और फिर वहाँ पर क्या करता है प्राइमरी ग्रोथ को बढ़ा देता है और जिसकी वजह से फिर उसको प्रोसेस को बोलते हैं हम यूट्रोफिकेशन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वहाँ पर बढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है कंट्रोल मेजर्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसमें कुछ मेथड हैं जिसके थ्रू कर सकते हैं। एक तो वेस्ट वाटर जैसे सीवेज जो है वो डायरेक्टली जो है किसी रिवर वगैरह में नहीं हमें रिलीज़ करना चाहिए, सीवेज वाटर वगैरह इसको क्या करना चाहिए, पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए फिर वाटर को वहाँ पर रिलीज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो है जैसे कि नाइट्रेट और फॉस्फेट जो है उसको क्या करना चाहिए, इसकी एग्जांपल है कि रिमूव करना चाहिए बिफोर डिस्पोजिंग द वाटर, वाटर को किसी रिवर में डिस्पोज करने से पहले जो है वहाँ अगर उस वाटर में नाइट्रेट है फॉस्फेट वगैरह है तो उसको रिमूव करना चाहिए। प्लस क्या करना चाहिए, जो अल्गल ब्लूम हैं बने हुए हैं उनको रिमूव करना चाहिए वाटर से, अगर बना हुआ है अल्गल मैट बनी हुई है उसको टाइम टाइम रिमूव करना चाहिए। इसके अलावा यूज़ फास्फेट फ्री डिटर्जेंट टू रिड्यूस, अब जो सोप वगैरह हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है उसमें फास्फेट होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं मैं प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन काम कर सकते हैं भाई रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ दिस डिटर्जेंट, और ख़ासकर डायरेक्टली जो वाटर बॉडी में हम धोते हैं कपड़े वगैरह इस साबुन से, तो उसके बजाय हमें क्या है कि फास्फेट फ्री डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करेंगे तो उससे भी हम यूट्रोफिकेशन पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ अल्गी जो है कंट्रोल की जा सकती है बाई यूजिंग अल्गीसाइड्स, जो अलगी का कुछ केमिकल होते हैं जो कि जैसे पेस्टिसाइड होते हैं इसी तरीके से जो है वीडिसाइड वगैरह, तो इस तरीके से होता है कॉपर सल्फेट एक होता है अलगीसाइड जो अलगी को ख़त्म करने के लिए मदद करता है, वो केमिकल इस्तेमाल करके भी हम जो है यूट्रोफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लडिंग को हमें प्रिवेंट करना चाहिए, जो वाटर बॉडी में आ सकता है ऐसा फ्लडिंग कहाँ से, किसी एग्रीकल्चर लैंड से जहाँ पर हम फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ पर जो है वहाँ पर जब किसी वो अगर एग्रीकल्चर लैंड किसी नदी के किसी वाटर बॉडी के पास है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वो वाटर बॉडी का जो में जो है वहाँ का जो एग्रीकल्चर लैंड से डायरेक्ट जो है वो वाटर सीधा उस वाटर बॉडी में ना आए, इसके लिए कुछ मेज़र हमें लेना चाहिए ताकि उस तरह का जो फ्लडिंग को हम प्रिवेंट कर पाएँ। ऑल अबाउट द टॉपिक, थैंक यू।